मैं प्यारे दोस्तों आप सबसे अपील करूंगा, जो अभी इस सवाल में हमारे डीजे एस्पर ने पैगाम दिया था कि कॉन्फ्रेंस हुई थी, फिफ्थ जनरेशन वॉर का मैसेज दिया था, मैं समझता हूँ हम सबको ज़रूरत है और हम सबको काम करना चाहिए इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए। हम ऑलरेडी इस पर काम करते हैं। अभी ईद मिलाद नबी की तकरीबात थी, मुझे इन्वाइट किया गया हिंदू बरादरी की तरफ से, मैं गया जाता हूँ हर प्रोग्राम में, तो हमने एक बात की जब मैं आ रहा था ईद मिलाद नबी का प्रोग्राम अटेंड करने, उसी दिन रात को 11 रबी उल अव्वल की रात काबुल में धमाका हुआ था ईद मिलाद नबी के प्रोग्राम में। तो जब मैं इवेंट में जा रहा था तो मुझे मेरे दोस्तों किसी का फ़ोन आया, कहता भाई जा तो रहे हैं आप, घर वालों से खुदाफिज़ करके जाए, कुछ भी हो सकता है, और अभी काबुल में धमाका हुआ है। तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ अपने मुल्क के लिए जा रहा हूँ, अपने मुल्क की यूनिटी के लिए जा रहा हूँ। हम बैन मज़हब हमांगी इंटरफेक्ट पर काम करते हैं, सब कुछ जोड़ने की बात करते हैं। तो यही डी जे इस पर हमारे उन्होंने आसिफ गफूर साहब उन्होंने पैगाम दिया कि जो दुश्मन है हमारा वो चाहता है कि हम टुकड़ों 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 में बढ़ जाए, यूनाइट ना हो। तो मैं समझता हूँ कि हमें उनकी बात को आगे करते हुए एक यूनिटी पैदा करनी है और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करना है। दुश्मन ने हमें जबान में तफरकों में जो बांटा हुआ है हम सबको ख़त्म करके सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तानी की बात करनी है और पाकिस्तानी बनना है। अभी उस दिन एक फिर ली मार्केट पर ईद मिलाद नबी का प्रोग्राम था, आगे शिराजी साहब का प्रोग्राम था, ईद इवेंट था ईद मिलाद नबी का, जश्न ईद मिलाद नबी, मैं वहाँ गया, वहाँ भी यही बात हुई। मैंने कहा कि हम आए हैं कि सर पे कफन बांध के आते हैं, ये सोच कर आते हैं कि हम घर से निकले एक अच्छे कॉज के लिए, एक जश्न ईद मिलाद नबी मनाने के लिए। हम अपने मुसलमान भाइयों से प्यार करते हैं, उनकी यूनिटी के लिए हमें प्यार मोहब्बत का सबूत देना है। उस दिन भी अल्लाह ने हमें बचाया, लेकिन तीसरे दिन गुरस्तान जौहर में ईद मिलाद नबी के जश्न ईद मिलाद नबी में धमाका हुआ, क्रेकर का या किसी ने बम मारा, और वहाँ वो जो डी जे इस पर कह रहे थे वो बात सच साबित हुई कि दुश्मन हमारा पीछा कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम सबको मजबूत होकर पाकिस्तान की सलामती के लिए दुश्मन पर नज़र रखना है, वो हमें कोशिश करेगा, हमने उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। एक ही चीज़ है, सिर्फ यूनिटी, और हमें अपनी पाक फौज मुल्क के लिए जो वो पैगाम देते हैं हमें उसको अमल करना चाहिए। आज सोशल मीडिया पर हमारे मुल्क के लिए पाक फौज के लिए जो भी गलत बात करता है, हम सोशल मीडिया के सिपाही हैं, हम सबको चाहिए कि हम सोशल मीडिया के जरिए उन उन झूठे लोगों को जो इस मुल्क के दुश्मन हैं, जो इस मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको जवाब देना है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, कोई भी खबर जब तक तस्दीक ना हो उसको फेसबुक पर शेयर करने से, व्हाट्सएप पर शेयर करने से गुरेज करें, ये सारी चीज़ें हमें नुकसान देती हैं। कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने जो हमें फरमान किया, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, अगर पाकिस्तान को हमने चलाना है तो उन तीनों चीज़ों पर अमल करना है, ये हमारे कायद का फरमान है। तो इसी तरह हम पर अमल करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।